जीवन धारा, जीवन धारा बहती रहे ये जीवन धारा, सुख दुख इसके दो है किनारे, संग संग चलते साथ हमारे, मिलता नहीं देखना कमाल मेरा, मेरा एक दोस्त है सही किया, मंत्री बन गया, मंत्री मंत्री बन गया। अरे वो मंत्री बन गया तो क्या हुआ, तुम्हारे जैसा निकम्मों की कोई मदद नहीं करता। अरे कहाँ रह गई, कौन आया है? माँ वो भैया आए। आ गया तुम्हारा लाडला। क्या बताऊं, इतने देर तक कहां था तू? मैं कॉलेज गया था। इस समय? वहां से मैं सुबोध के घर चला गया था पढ़ने के लिए। झूठ बोल रहे ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब बेबी बाप की तरह झूठ बोलने लगा, सुना तुमने? हाँ सुना, तुम्हें तो बस लड़ने के लिए बहाने चाहिए। मैं क्यों लड़ने लगी भला? ये बात तुम देवी से आराम से भी पूछ सकती थी। हाँ हाँ, मैं तो उसे लठ मार के पूछ रही हूँ। माँ इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात तो नहीं है। तो चुप रह। आप क्या गलत कर रही है? हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ, बाकी तो सब ठीक है। पापा ये रोज रोज की कलेश घर में ठीक नहीं है। क्या? हाँ तुम मुझसे कहेगा? हाँ पापा आपसे कह रहा हूँ। मुझसे? हाँ आप ही से कह रहा हूँ मैं। बदतमीज, कलेश घर में मैं पैदा करता हूँ या ये औरत? हाँ मैंने ही तो ये माहौल खराब कर रखा। रोज तुम लड़ती हो, तुम बच्चों को तुम कुछ कहते नहीं हो। क्या कहूँ, क्या गलत कहता है ये? कोई शिकायत आई इसकी कभी? रात के 8 बज रहे हैं, ये कोई आने का समय है और ऊपर से ये जवान लड़ाता है। अपन मार तो दिया और क्या चाहिए तुम्हें? हो गई तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी, लड़के को समझाने की जगह से थप्पड़ मार दिया। फिर तुम चाहती क्या हो? जो तुम्हारे मन में आए वो करो। सर आप कमिश्नर से एक बार बात कर लेते तो। मैं क्यों करूं कमिश्नर से बात? कमिश्नर को यहां बुलाओ, यहां बुलाओ। रुको। हेलो, हाँ मुख्यमंत्री जी से बात करवाई जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ महोदय, मेरे कैंडिडेट का तो काम हुआ नहीं, मेरे को सुनने को तैयार ही नहीं है। श्रीमान जी मुझे भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जवाब देना पड़ता है जी। जी अच्छा जी, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कहना क्या था उनको, कहने लगे पद है 6 और मंत्री है 12। अब सारे मंत्री के कैंडिडेट को तो हम काम दे नहीं सकते ना। फिर क्या मंत्री जी? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मंत्री मंडल में मुद्दा उठाऊंगा। वेल डन सर। वेल डन। हेलो मेजर, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर। हेलो श्याम, आपको हमारे यहाँ पर कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई?
जी नहीं कटे। गुड। और तुम सनावली, तुम्हारा अभियान कैसा चल रहा है? सब कुछ निश्चित प्लान के तहत चल रहा है सर। गुड, वेरी गुड। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। हाँ तो मेजर, जहां तक मैं समझता हूं तुमने शाम को सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया होगा। यस सर, शाम को मैंने सब कुछ समझा दिया है, लेकिन लेकिन क्या सर? शाम कुछ टाइम चाहता है। डोंट वरी मेजर, दे दो ना टाइम उसको। बट सर, शाम 6 महीने का टाइम मांग रहा है। व्हाट? 6 मंथ? यस। ओह नो। देखो मेजर, श्याम तुम्हारा बचपन का दोस्त है और तुम श्याम को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यस सर। तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम मुझसे बहुत अच्छी तरह से समझते हो, और जहां तक मैं समझता हूं तुम जो भी निर्णय लोगे वो ठीक ही होगा। और हां, इस बारे में मैं सारे अधिकार तुम्हें सौंपता हूं। थैंक यू सर। बधाई हो चाची जी। अरे तुम्हें क्या हो गया, कुछ खाना वाना ढंग से नहीं खाती हो? औरत का क्या है, जो मिला सो खा लिया, तब तो बहू कुपोषण के चक्र में जरूर फंस जाएगी। ये कुपोषण चक्र क्या होता है? कुपोषित माँ से कुपोषित शिशु, फिर कुपोषित बालिका और फिर कुपोषित माँ, ये चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस कुपोषण चक्र को तोड़िए, बालिका और बालक को समान पोषण दें। बालिका को स्कूल भेजें और उसे अधिक से अधिक शिक्षित करें। बालिका को किशोर अवस्था में पर्याप्त पोषण दें। बालिका को खाद्य पोषण व स्वास्थ्य की आवश्यक जानकारी दें। पारिवारिक जीवन का पाठ पढ़ाकर 19 साल के बाद ही विवाह करें। प्रथम गर्भधारण 21 वर्ष की आयु के पश्चात ही होना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान कराने की अवस्था में महिलाओं को अच्छा पोषण दें। महिलाओं को शिशु के जन्म के बाद तुरंत स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करें। महिलाओं को कार्यों में हाथ बटाकर स्वास्थ्य में सुधार लाएं। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार। कश्मीर has been known through the ages for its indescribable beauty and grandeur, the majesty of its mountains, the sublime glory of its pearly waters, the lush emerald green of its fields and meadows have moved the hearts of men to awe and wonder. She has been called the supreme example of nature's consummate artistry, the ultimate expression of that divine vision of loveliness that lies beyond human ken. For Kashmir is magic and mystery, romance and glory. She has inspired fierce love and devotion among those who have been blessed to set eye upon her swelling bosom. As the poet has said, to know her is to love her. She is one with nature, whose voice is heard in all her music, from the gentle sounds of the playful brook to the song of night's sweet bird. Kashmir is a presence to be felt and known in darkness and light, from herb and stone, spreading itself wherever nature moves. Kashmir is the glorious spirit of nature, whose dwelling is the light of setting suns, and the vast green fields and the gurgling brooks. It is a spirit that lives in the vast blue sky and in the minds of men. अरे सुधा, क्या हुआ? भोला की जवान बेटी मर गई बेचारी। अपने मोहल्ले के वो नुक्कड़ वाले डॉक्टर से गर्भपात करवाया और अपनी जान खो बैठी। मगर वो तो नीम हकीम है, डॉक्टर नहीं है, और अब तो गर्भपात कानूनी जायज है। उसे हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की सलाह से सही तरीके से कराना चाहिए। तू क्या खड़ी खड़ी सुन रही है, चल भाग यहाँ से। नहीं सुधा, इसे डांटो मत, बच्चों को सब कुछ मालूम होना चाहिए। गर्भपात बार बार कराना गलत, इसे नसबंदी से रोका जा सकता है। अबॉर्शन यानी गर्भपात कानूनन जायज है, शर्माइए मत और जान जोखिम में मत डालिए। डॉक्टर की सही सलाह से सुरक्षित गर्भपात कराइए।
एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाजी सुमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। रहेगी ना बदरिया सारी, रहेगी कि सब क्या तमाशा है? कौन दद्दू जान, ये तमाशा नहीं है, एक्सरसाइज है, मॉडर्न एक्सरसाइज, प्रोड्यूसर या वर्जिश? ये कौन से तरीके के वर्जिश है बेटे? हैं? इसे वर्जिश नहीं, इसे बंदरों की उछल कूद कहते हैं। ओफ दद्दू जान, मैं आपको क्या समझाऊं? हाँ हाँ, अब तुम मुझे समझाओगे। अरे सुनो बेटे, वर्जिश तो हम किया करते थे कालू खां के अखाड़े में, और मुग्धर, मुग्धर को तो हम फूल की छड़ी की तरह घुमाते थे। तुमने वो शेर नहीं सुना? सुना डाली। हमको मिटा सके जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाह अबू जान वाह, खूब बहुत खूब, क्या शेर मराया। देखो बेटे, मुझे दाद देने की बजाय अपने इस नामाकुल फर्जंद को समझाओ, इसकी तो सारी हरकतें ही उल्टी हैं। अबू जान, पहले तो आपने अपने लाख प्यार से इसे बिगाड़ दिया, अब इसको सुधारने की जिम्मेदारी आप मुझ पे डाल रहे हैं। प्लीज अबू, आप दोनों अपने मामले में मुझे मत रखें। तुम पाप बेटे दोनों निठल्ले हो, जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं उसे उड़ा देते हो। तंग आ गया हूं मैं तुम दोनों से। रुमिया क्या कर रहे हो भैया? अरे मुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम? कमरुमिया कमरुमिया, तुमने आज का अखबार देखा है? अरे आज का अखबार मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा आज का अखबार तुम कल से ढूंढ रहे हो? और क्या, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तुम? अरे बेवकूफ, ये बेवकूफी की नहीं समझदारी की बातें हैं, समझा? समझदारी की बातें? तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? अरे काल करे सो आज कर, काल करे सो, हाँ हाँ सुनी है। हाँ, तो बस तो फिर मैं सारे काम एक दिन पहले ही कर लेता हूँ। सरफराज के अखाड़े का शोरगुल जी, मतलब उनके कमरे में शोरगुल मचा हुआ है हुजूर। हाँ चलिए हुजूर, चल कर देखते हैं। आइए हुजूर आइए। किसी पराई लड़की का
इस तरह से घर में आना जाना ये अच्छी बात नहीं है। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम जमाने में बहुत बदनाम हो जाएंगे, लोग बात क्या कहेंगे। जब मैंने देखा था तो दो ही बैठे थे हुजूर, एक लगता उड़ गया। एक कौवा उड़ गया? कमबख्त, कभी कोई तुझसे काम सही भी हुआ है? और सुबह सुबह मुझे एक कौवा देखा कर मेरा शगुन और खराब कर दिया तूने। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां। तेरे किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों, लिख दी रब ने सिसकियां। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए, आ, 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 रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए, खुशियाँ तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए, बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियां। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों, लिख दी रब ने सिस किया। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां।